ऑफिस के बाद जयशु जी को हॉस्टल छोड़ने जाता है। तभी वो कहता है अगली बार ओवरटाइम हो तो बता देना, मैं पिक कर लूँगा। रात में यहाँ डेंजरस होगा। जी पूछती है तुम थकोगे नहीं, दिन में काम और रात में ओवरटाइम, प्लस मुझे पिक करोगे और छोड़ोगे भी। जयशु कहता है तो क्या करूँ बताओ, तो मेरे घर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती। तभी जी के पास उसकी मदर का कॉल आता है। वो पूछती है तुम हॉस्टल पहुँचे क्या। जी कहती है पहुँचने वाली हूँ। जयशु उसे छेड़ता है। जी मदर को चिंता करने के लिए मना करके बाद में कॉल करने को कहती है। जी कहती है देखा ना तुमने। जयशु कहता है कोई ना, मैं तुम्हें हर रोज ऑफिस छोड़ने और लेने आ जाऊंगा। जी कहती है सच में। वो खुशी के मारे उसके गले लगती है। तभी उसे यान का कॉल आता है। यान पूछता है हॉस्टल पहुंची क्या तुम। जी कहती है पहुंचने वाली हूँ। क्यों क्या हुआ। यान कहता है तुम्हारे कैंपस में एक लड़का लड़की हाथ पकड़ कर डोल रहे हैं, क्या वो तुम हो। जी शौक होकर रुक के पूछते तुम यहाँ हो। यान सामने आकर कहता है अंधा समझाए क्या मुझे। जी और जयशु की पोल खुल जाती है। यान कहता है तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड जयशु की तरह क्यों दिख रहा है। वो दोनों को हाथ पकड़ते हुए देखता है। जी हाथ छुड़ा के कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें लेने ही आ जाती। यान हंसता है। जी कहती है ये जयशु की तरह दिखता है ना। वो बहाना मारती है। यान कहता है उल्लू समझाया क्या तुमने, सोचो जरा तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा। क्या जयशु लंगड़ा हो गया है, अंधा हो गया है, या फिर पिया हुआ था। जी कहती है वो पिया हुआ था। यान कहता है उससे बचाने के लिए तुम उसकी साइड ले रही हो। जी कहती है तुम्हें बिलीव हुआ क्या। यान उसे पकड़ता है। जयशु जी को प्रोटेक्ट करके कहता है मेरा उस जैसा फेस नहीं है, मैंने ही इसे पटाया है। यान का मुंह देखने लायक होता है। जयशु और यान दोनों जी को हॉस्टल छोड़ने जाते हैं। जयशु जी से कहता है सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। यान जी को अपने पास ले लेता है। जी कहती है क्या हुआ। मैं तुम्हें पहले बताना चाहती थी बट देखो तुमने मुझे ब्लॉक किया। यान कहता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हाँ। जी कहती है सॉरी, मैं बस आपको समझाने के लिए टाइम देना चाहती थी। यान पूछता है हॉस्टल कितनी दूर है यहाँ से। जी इशारा करती है। जयशु कहता है सब ठीक हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा। जी यान से रुकने के बारे में पूछती है। यान उल्टे सीधे जवाब देता है। तभी हॉस्टल आ जाता है। जी जयशु की साइड लेकर यान को समझाती है। उसे जयशु के लिए डर लगता है बट यान उसे अंदर हॉस्टल भेज देता है। जी नहीं जाती बट जयशु उसे प्यार से समझा के भेज देता है। यान और जयशु को जी जाते हुए देखती है। साइड में यान जयशु को मारते हुए कहता है तुम्हें मेरी बहन ही मिली पटाने के लिए। जयशु कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उसके लिए बहुत सीरियस हूँ। यान फिर मारता है। जयशु कहता है और मारो। यान और मारता है। जयशु कहता है रुको नहीं और मारो। यान साइड में बैठ के पूछता है कितना टाइम हुआ तुम दोनों को। जयशु डिटेल्स देता है। यान कहता है तुम्हें शर्म है भी या नहीं, अगर तुम किसी को भी डेट करती तो मैं कुछ नहीं कहता, बट वो मेरी बहन है, तुम उसे बचपन से जानती हो, वो तुम्हें भाई कहती थी, फिर भी तुमने सिर्फ उसी को पकड़ा। जयशु कहता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें मिलकर कुछ बताना चाहता हूँ, वो यही था, गलती मेरी है, सॉरी ब्रो। यान कहता है किसका ब्रो। जयशु कहता है पता है मुझे तुम्हें बहुत बुरा लगा, जब तक तुम चाहो मुझे मार सकते हो। यान कुछ तो कहो। यान कहता है मुझे मत बुलाओ, वो ये सब सोचकर कुछ कह ही नहीं पाता। वो खड़ा होकर कहता है अपना हुलिया सही करो। जयशु खुशी से उसके पीछे जाता है। यहाँ जी टेंशन लेती है। जी यान को कॉल करती है। यान कॉल कट कर देता है और उठाता नहीं है। बाद में जी जयशु को मैसेज में पूछती है सब ठीक है ना। जयशु सब ठीक बताता है। जी कहती है फ्री होकर मुझे कॉल करना। यान ये सब देखता है। जयशु यान से कहता है ब्रो मैं उसे पूरी जिंदगी खुश रखूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। यान कहता है तुम्हारी लड़की हाँ। जयशु कहता है वो अभी तुम्हारी है। यान पूछता है तुम रियली सीरियस हो। जयशु कहता है अगर नहीं तो मैं रियल जोक हूँ। यान पूछता है तो बताओ तुम्हारा रिश्ता कहाँ तक पहुँचा। जयशु कहता है ब्रो क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो। यान कहता है तुम मेरी नजरों में वैसे ही हो। जयशु कुछ कह ही नहीं पाता। यान कहता है तुम 26 के और उसने अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट ही की है, क्या तुम इतने बेशरम हो। जयशु कहता है चाहे कुछ भी हो मैं उसको लेकर बहुत सीरियस हूँ, बस वो मुझसे 5 साल छोटी ही है, अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम मुझे और मार सकते हो। यान उसे मारता है। जयशु कहता है हम कैब में है। यान कहता है तुम्ही ने तो पिटने को कहा था। जयशु कहता है हम बाद में बात करते हैं। वो दोनों जयशु के फ्लैट में पहुंचते हैं। जयशु उसे स्लिपर्स देता है बट यान पूरे घर का मुआयना करता है। जैसे ही वो फ्रिज से स्ट्रॉबेरी उठाता है जयशु उसे रोक कर कहता है फ्रिज में से कुछ मत देना, वो सब मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। यान कहता है गर्लफ्रेंड हाँ, सोना है क्या अंदर यहाँ कि तुम ऐसे बन रहे हो। यान बैठता है जयशु और जी की ग्रेजुएशन फोटो देखता है और पूछता है ये कब दी तुमने।
यहाँ जी वेट करती है जाशु का मैसेज आता है। जी उसे वीडियो कॉल करती है। जाशु अपनी पिटाई की वजह से वीडियो कॉल उठाता नहीं है और मैसेज पे झूठ कहता है, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। जी कॉल लगाकर कहती है, कपड़े पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। जाशु कहता है, रहने दो सोने वाला हूँ मैं। जी पूछते कुछ हुआ क्या तुम दोनों में? जाशु कहता है, नहीं उसने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा। जी कहती है, अच्छी बात है, तुम उससे दूर रहो, मैं बाद में उसे देख लूंगी। जाशु हंसता है। जी पूछती है, क्या उसने तुम्हें बताया कि वो यहाँ क्यों आया है? जाशु कहता है, उसे तुम्हारी चिंता थी तो वो तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड को देखने आया है। जी कहती है, वो पागल है, उसने तुम्हें बताया कि वो कब तक यहाँ रुकेगा? जाशु कहता है, पता नहीं बट मैंने उसे सब बता दिया। तुम्हारा कल ऑफिस है ना, जल्दी से सो जाओ। दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। जी तसल्ली से सो जाती है। जाशु अपना बिगड़ा चेहरा देखता है,